जी नाजरी, इस वक्त हमारे साथ स्टेज एक्टर सिल्क मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं ड्रामा के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है ड्रामा? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्ले जा रहा है हमारा, और बिफोर प्ले भी मैं यहाँ भी थी तब भी बहुत इज्जत मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत इज्जत मिली है। तो आपका रोल क्या है इस ड्रामे में? इस ड्रामे में ये एक एक्चुअली थिएटर के मुताबिक जैसे लड़कियाँ शो वगैरह करती हैं तो रियलिटी दिखाई जा रही है शो के लिए, बस एक आर्टिस्ट ही बनी हुई हूँ मैं कि फंक्शन के लिए लड़की लेने आते हैं बस ऐसा। तो आप अपने रोल से सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुझे कुछ भी बोल दें मैं डायरेक्टरों की बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे जैसे कहते हैं ऐसे करना मैं वैसे करती हूँ, और बहुत कम लड़की हैं जो किसी की बात मानती हैं। तो ड्रामा में जो है वो ड्रामा की जो कहानी है स्क्रिप्ट है वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें टोटल आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, सब प्यार वाले हैं, सब इज्जत वाले हैं, और बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ काम करके। तो फैसलाबाद की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फैसलाबाद की आवाम के लिए तो बहुत अच्छा पैगाम है, ये तो हमसे ज़्यादा खुद कॉमेडी इतने हैं कि बहुत मज़ा आता है, हम बात करते हैं ये जवाब देते हैं, बहुत खुशी होती है, और मुझे हर दफ़ा इधर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत इज्जत। तो फैसलाबाद की आवाम से कितना रिस्पांस मिल रहा है राशहर ड्रामे में? बहुत ज़्यादा, कल भी हमारा ओवर फ्लो पड़ा था, मीन्स के ओवर पैक शो था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी शो बहुत अच्छा है। जी नाजरीन, बड़ा नाम डायरेक्शन में, काफ़ी एक्सपीरियंस, पहले भी हमें कई बार मौका दिया उन्होंने, हमारे साथ मौजूद हैं शबाब रशीद साहब, बड़ा नाम है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का एहसान, आप सुनाए ठीक है। एक और अच्छा ड्रामा लेके आप आए हैं, बड़ी तारीफ सुनी, और इसकी कहानी स्क्रिप्ट और के बारे में बताइएगा नाजरीन। जी कहानी हमारे मुआशरे का ही एक हिस्सा है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अभी आप अखबारात में और टेलीविज़न पे और चैनल्स पे आप सुनते हैं के बी के में जो ख्वाजा सराओं पर जो जुल्म हो रहा है, सबसे ज़्यादा तादाद कत्ल होने की वो के पी के में ख्वाजा सराओ की है, 70 से ज़ायद हैं। तो ये भी हमारे अल्लाह की मखलूक हैं, ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, तो इनको ज़िंदगी गुजारने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अपना घर चलाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को यानी कि अपना उनको पता भी ना चले वो अपना काम भी करें, ये तो जो जो मुश्किलात इन ख्वाजा सराओं को आती है ज़िंदगी गुजारने में, ये कहानी उसी की अक्कासी करती है। तो हमें चाहिए कि हम इन ख्वाजा सराओं से नफरत का इजहार ना करें बल्कि इनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो माशरे को आप ये पैगाम दे रहे हैं कि इनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए माशरे में? जी जी बिल्कुल, रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंसानियत के नाते, मजहबी तौर पर, मुआशरती तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर इनका हर मुमकिन साथ देना चाहिए। तो इस कहानी में आप नाजरीन को ये भी बताइएगा कि इसमें जो इसकी स्क्रिप्ट है, जी जी, वो जो स्क्रिप्ट के बारे में बताइएगा कि इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है और कैसी इसको परफॉर्म किया? जी ये मरकजी ख्याल तो हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार जनाब सरदार कमाल साहब उनका है, और ड्रामा ही तश्कील इसको मैंने दी है और डायरेक्ट भी मैं कर रहा हूँ खुद। बाकी आपने लोगों से पूछ लिया है कि ये ड्रामा कैसा है, आवाम की राय क्या है इस बारे में? आवाम की राय तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप अभी आवाम से होकर आए हैं, तो माशाल्लाह जिस ड्रामे को काम करने में खुद मज़ा आ रहा हो ना तो यकीनन आवाम भी मज़ा लेती होगी। तो ड्रामा माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है जिसमें हमारे फिल्म स्टार मोटा गाना करदा जनाब अकरम उदास साहब, महनूर, सोनम चौधरी, शाहद आशमी, शबीर आकाश, असलम चिट्टा, शेदी खान, ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिस ड्रामे भी ये कास्ट हो वो ड्रामे का मेयार ऊंचा हो जाता है, और कॉमेडी भी अच्छी है माशाल्लाह, ये ड्रामा भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये बहुत ड्रामा है आजकल जो हम पेश कर रहे हैं कि जिसमें हम बाकायदा एक वाइंड अप भी रखा हुआ है ताकि लोगों को पता चल सके कि कहानी क्या थी, इसका अख्ताम क्या है। आवाम को एक छोटा सा पैगाम देना चाहिए? पैगाम देखिए मैं अपने ड्रामे के हवाले से ही कि ख्वाजा सराओं के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा रहा ये भी हमारा हिस्सा है, हमारे मुआशरे का हिस्सा है, तो इनका एहतराम करें, इनकी हर तरह मदद करें।